अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था 1.8 चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, याद आया। अब इसमें हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि भाई जो हमारे पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं बेस ड्राइव, वो हर बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है, और कितनी 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 जो बेस क्वांटिटी है वो मकदार में मिली हुई है एक नई किस्म की ड्राइव क्वांटिटी को बनाने में। ठीक है, ये टॉपिक पूरा मैं इधर पिन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसी। ओके, अब हम इसकी देखते हैं आज एप्लीकेशंस, किसकी, डायमेंशन की। इसको, इस टर्म को बोलते हैं हम डायमेंशन एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है मुताला करना, बताना, देखना। किसको देखकर? अब हम डायमेंशंस को देखकर मुताला करेंगे। क्या मुताला करेंगे? हमारी बुक में दो इसकी एप्लीकेशन दी हुई है। एक नंबर वन है टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है, या टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन स्लैश फॉर्मूला। ये दोनों काम कर सकता है जी। ठीक है, क्या कर सकता है? टू चेक द होमोजेनिटी, ये भी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। और दूसरी जो एप्लीकेशन है वो जो दूसरी एप्लीकेशन है वो है ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला। पॉसिबल फार्मूला, ठीक है। अब सबसे पहले है होमोजेनिटी। होमो का मतलब होता है सेम, जेनिटी मीन नेचर, सेम नेचर किस चीज की, इक्वेशन की। कि नेचर क्या होगी? नेचर ये है कि जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास चीज में नेचर होगी वही राइट साइड पे होगी। नेचर क्या होती है? जैसे लेंथ है, ये एक अलग नेचर की फिजिकल क्वांटिटी, मैस अलग है, तो इसका मतलब है जो लेफ्ट साइड पे नेचर में एग्जिस्ट कर रही होंगी चीज़ें वही राइट पे एग्जिस्ट करेंगी, तो हम कहेंगे भाई हमारी इक्वेशन होमोजीनियस है। ठीक है, या हम इससे करेक्टनेस किसी इक्वेशन को देख सकते हैं कि यार ये करेक्ट है या नहीं। एक बंदे ने लिख दी इक्वेशन, उसने कहा सर ये फार्मूला आप पुट करें, आंसर तो ठीक आ रहे हैं, आप पता नहीं उसकी इक्वेशन ठीक है या नहीं। कैसे पता लगेगा? करेक्टनेस, कि उसकी लेफ्ट साइड के डायमेंशंस बराबर आने चाहिए राइट साइड के डायमेंशंस के, वो चाहे फार्मूला हो चाहे वो क्या हो आपके पास इक्वेशन, दोनों चीजों में से कुछ भी हो सकता है। और नीचे है जी ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, हम इसे एक फार्मूला भी क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं, हम पहला पार्ट इसका करता हूँ इधर हल। पहले में हमारे पास बुक ने हमसे एग्जाम्पल 1.4 की बात की है। वो कहती है कि आपने ये फार्मूला जरा चेक करके बताना है भाई साहब। कौन सा फार्मूला है जी? v इज इक्वल टू अंडर रूट एफ क्रॉस एल ओवर एम, ठीक है। ये फार्मूला आपने चेक करना है, क्या ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो सिंपल सा रूल है, हम इसकी लेफ्ट और राइट साइड के जो डायमेंशन है वो चेक करेंगे, अगर तो वो सेम आ जाते हैं तो हम ये फार्मूला ठीक है, अगर डायमेंशन सेम नहीं आते तो ये फार्मूला गलत है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इधर से लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, आपके टेस्ट जो होते हैं एंटी टेस्ट उनमें भी आ जाता है। अच्छा, अभी मैं लिखता हूँ जी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है जी? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हल करते हैं जी। वेलोसिटी के डायमेंशन आपने देखे थे, आपने कहा था सर वो थे एल टी माइनस वन, तो लेफ्ट साइड के डायमेंशन है एल टी माइनस वन। नाउ वी विल सी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के डायमेंशन देखते हैं जरा। ये हम इधर कॉलर लगा लेते हैं। अब राइट साइड पे हमारे पास क्या है जी? एफ क्रॉस एल ओवर एम, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ क्रॉस एल ओवर एम होल की पावर 1/2 स्क्वायर है ना, अंडर रूट है, अंडर रूट जो होता है वो 1/2 होता है पावर में। आपको एफ के डायमेंशन पता है? उसने कहा सर पता है। क्या है? एम एल टी माइनस टू, मैंने कहा हाँ जी। और लेंथ एल के, एल लेंथ है तो एल आ जाएगा ओवर एम, और इस होल की पावर क्या है 1/2, एम एम से कटता है इधर पावर है ऊपर जाके मैथ, और ये इसका क्या हो जाता है एल का स्क्वायर इंटू टी माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू 1/2। टी माइनस टू वैसे एल प्लस वन
प्लस वन क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर, ये पावर्स अंदर मल्टीप्लाई होंगी तो इसके साथ अब मल्टीप्लाई होगी तो ये कुछ यूँ लिखा जाएगा मल्टीप्लाई वन बाई टू मल्टीप्लाई बाई वन बाई टू, ये से कट गया ये से कट गया तो क्या बचा एल टी माइनस वन। क्या ये डायमेंशन इसके बराबर है? हमने कहा जी बराबर है, तो उसने कहा सर ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है, इसके डायमेंशन बराबर है तो इसका मतलब है ये फार्मूला ठीक है। इससे हमने चेक किया कि फार्मूला करेक्ट है या नहीं। एक और एग्जांपल करते हैं फिर और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। लो जी अब मैं बुक में नहीं है, मतलब कि हम एग्जाम्पल प्रॉपर वे में नहीं लिखी हुई, हम कोई और जनरल इक्वेशन देख लेते हैं उसे कर लेते हैं। जैसे कि हमने इक्वेशन पढ़ी थी s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो अब हमने देखना है कि क्या इसके डायमेंशंस बराबर है। तो सबसे पहले लिखता हूँ जी लेफ्ट हैंड साइड, आप साथ भी सॉल्व कर सकते हैं इसे। s किसके बराबर होता है जी l के, क्योंकि s लेंथ है तो लेंथ के यूनिट क्या होते हैं मीटर, और मीटर के डायमेंशन क्या होते हैं l। ठीक है, अब मैं देखता हूँ जी राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड के लिए मैं लिखता हूँ राइट साइड की इक्वेशन, वो क्या है जी वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, वी आई एल टी माइनस वन होते हैं इनटू टी कैपिटल टी होगा प्लस हाफ ए, ए आपने पीछे पढ़ा था एल टी माइनस टू, और ये क्या होते हैं टी, तो ये क्या देगा टी का स्क्वायर, यही बनेगा। ये इससे कट गया ये इससे कट गया तो इधर क्या बचा L, और इधर क्या बचा वन ओवर टू इंटू, इससे कट गया था तो क्या बचा L। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर बनेगा थ्री बाई टू इंटू L। बच्चे कहेंगे सर ये ना आंसर आपका गलत आ गया, इधर आपके पास सिंपल L आ रहा है, इधर सिर्फ वन लिखा रहा है और इधर थ्री बाई टू लिखा रहा है, ये गलत है, तो ये फार्मूला गलत है, हम खराब काम कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार फार्मूला ठीक है। उसने कहा सर वो कैसे ठीक है, आप देख लें किसी से भी पूछ लें आप, उसको वो बता देगा मैथ का बंदा कि ये दोनों इक्वेशंस बराबर नहीं है। मैंने कहा मैथ वाले बंदे ने ना डायमेंशंस नहीं बताने, उसने इक्वेशन बतानी है, हमने देखने हैं डायमेंशंस। डायमेंशन क्या है बेस क्वांटिटीज, अगर लेफ्ट साइड की बेस क्वांटिटी बराबर है राइट साइड के, इधर एल है बेस क्वांटिटी इधर भी क्या है एल। उसने कहा सर इसको, मैंने कहा यार ये जो चीज़ होती है ना आपके पास, ये दिस इज अ नंबर, अ नंबर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट क्वांटिटी कैसी होती है डायमेंशन लेस, तो जब इसके डायमेंशन नहीं होंगे तो इधर कुछ इंक्लूड नहीं होंगे, तो याद करो उस टॉपिक में भी हमने देखा था, तो इसके कोई डायमेंशन नहीं होते, तो इसका मतलब है ये इक्वेशन भी करेक्ट है। ठीक है, एक और इक्वेशन हम देख लेते हैं जरा सिंपल के जैसे कि इधर मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ, फार्मूला है जी ये टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल ओवर जी, इसके डायमेंशन देखते हैं क्या ये ठीक है डायमेंशन, ये फार्मूला ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं टी है तो इधर टी, और इसके डायमेंशन भी क्या होते हैं कैपिटल टी, पता है टाइम पीरियड है। अब राइट हैंड साइड को देख लेते हैं, राइट हैंड साइड पे क्या है जी हमारे पास है टू पाई अंडर रूट एल ओवर जी, टू पाई को इग्नोर करेंगे, ये हमारे पास क्या है कॉन्स्टेंट, तो क्या आ जाएंगे एल ओवर जी, सॉरी एल ओवर जी होल की पावर क्या आ जाएगी वैसे ही वन बाई टू। एल के क्या होते हैं कैपिटल एल, और जी के क्या होते हैं एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशनल एल टी माइनस वन इंटू वन ओवर टू, या इससे कट गया तो टी नीचे माइनस का ऊपर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का इंटू वन ओवर टू, ये इससे कटेगा तो क्या बचेगा टी, क्या ये और ये सेम है, तो अगर ये सेम है तो ये फार्मूला भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, ये था आपका होमोजेनिटी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, हम एक पॉसिबल फार्मूला बना सकते हैं। इसमें ना ये एक वर्ड है जी पॉसिबल, पॉसिबल मीन के जो फार्मूला किसी इक्वेशन या किसी फिनोमिना को एक्सप्रेस कर सकता है, 100% कन्फर्म नहीं है कि फार्मूला बिल्कुल ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से पता चलेगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम इसके एप्लीकेशन के थ्रू डायमेंशंस की हम इसको क्या कर सकते हैं फार्मूले को बना सकते हैं थ्योरेटिकली। अब हम चेक करते हैं क्या फार्मूला बन सकता है। सबसे पहले मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल से चेक करवाता हूँ। हमने न्यूटन पढ़ा था सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक जो फोर्स है ना वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, मास पर और
एक्सेलरेशन पर, ऐसा ही है। तो जब वो डिपेंड कर रही है ना, मैं इधर प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा दूंगा, ठीक है। अब मैंने देखना है कि क्या ये फार्मूला क्या होगा, इनकी पावर्स क्या क्या बनेंगी। तो इसके लिए मैं एम के ऊपर एक पावर लिख दूंगा ए, सॉरी एक्स लिख लेते हैं, और वाई लिख लेते हैं ए पर, ठीक है। या हम ऐसा नहीं करना तो हम ए के लिए ऐसे कर लेते हैं कि भाई ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और एक्सेलरेशन के, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं कि ये फार्मूला क्या बनेगा। अब हमें पता है कि एफ और ये जब खत्म करते हैं तो एक इक्वल आता होता है और एक कॉन्स्टेंट, क्या खत्म करते हैं, ये वाला प्रोपोर्शनल का सिंबल, जब खत्म करते हैं तो इक्वल आता है और एक कॉन्स्टेंट इंटू एम की पावर एक्स और ए की पावर वाई, ठीक है। कॉन्स्टेंट हम लेट्स सपोज के ले लेते हैं, ठीक है, एम की पावर एक्स, और एम के डायमेंशन क्या होते हैं, कैपिटल एम, एम की पावर क्या आ जाएगी, अगेन एक्स, ए, ए के डायमेंशन क्या होते हैं, एल टी माइनस टू की पावर वाई, और एफ, एफ के डायमेंशन क्या होते हैं, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। अब हम इन्हें कंबाइन कर लेते हैं, एम की पावर आ जाएगी एक्स, एल की पावर आ जाएगी वाई, पावर पावर की, इसकी पावर वन है, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और टी की पावर आ जाएगी माइनस टू वाई, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या आ जाएंगी, एम एल टी माइनस टू। अब हम कंपेयर कर लेते हैं, इधर है जी एम, इधर क्या जी एम, और इसकी पावर क्या है वन, और इधर एम है, और एम की पावर क्या है एक्स, तो यहाँ से बेसिस सेम है, तो पावर्स इक्वल है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वन, ठीक है। मैथ है थोड़ी सी, इधर एल, और इधर क्या है, एल की पावर क्या है वाई, तो एल एल बेसिस सेम, तो इसकी जगह वन होगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वन। हमने दो ही पावर निकालनी थी, हमें थर्ड वाले करने की जरूरत नहीं है। अब हम ये पावर इधर पुट कर देते हैं, तो फार्मूला क्या बनेगा, f इज इक्वल टू के m, m की पावर x, और x की वैल्यू कितनी है जी वन, तो वन लिखेंगे नहीं, a, a की पावर क्या है y, और y लिखेंगे नहीं, तो क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एम ए। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ फोर्स, ये ड्राइव किया गया, सिंपल सा था, अब मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स करता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, अब जरा आ जाए थोड़े कम्प्लेक्स फार्मूला की तरफ, ठीक है। अब कम्प्लेक्स फार्मूला के अंदर हम सॉरी करते हैं, जो हमारी बुक ने किया है एग्जांपल, जो है वो है जी एग्जांपल 1.5, ठीक है। किसके लिए, वो कहता है कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, टाइम पीरियड को वो किससे जाहिर कर रहा है, टी से, मैं तो लिखता हूँ ब्लू से, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है मीन प्रोपोर्शनल है, किसके ऊपर, मास ऑफ द बॉब, मतलब वो कहता है कि सपोज मास ऑफ द बॉब पे कर रहा है, मैंने कहा अच्छा जी, फिर कहता है जी लेंथ पे भी कर रहा है, मैंने कहा अच्छा जी, फिर वो कहता है एंगल थीटा पे भी कर रहा है, मैंने कहा अच्छा जी, एंगल थीटा क्या है कि ये अगर बॉब है, ये ऐसे पड़ा हुआ है, ये जो ये जो बाल है इसको बॉब कहते हैं, इसका मास एम है, और ये इधर से पकड़ के बंदा इधर लाया, तो ये इधर एंगल बन रहा है, वो एंगल इस थीटा की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंगल थीटा पे भी बन रहा है, मैंने कहा अच्छा, और थर्ड पे, वो कहता है जी जी पे कर रहा है, मैंने कहा जी क्या कहता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मैंने कहा अच्छा अच्छा, कहता है अब इसका ना फार्मूला बनाए। अब हमें तो पता है कि फार्मूला क्या है, इधर टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, तो ज़रा चेक करते हैं क्या ये फार्मूला हम इधर से बना सकते हैं। अब इसके लिए सेम वही प्रोसीजर, एक्स वाई बल्कि ए बी सी डी दे लेते हैं ना, ए बी सी और डी, बुक ने भी सीढ़ी दी है, वेरिएबल्स हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, पी क्यू आर एस लिख सकते हैं, जो आपका दिल करे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखें जी, टी इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनल को ख़त्म करके उसकी जगह दो चीज़ें आएंगी, एम की ए, एल की बी, थीटा की सी, जी की डी, समझ आ गई बात की। अब डायमेंशंस लिखते हैं, तो टी के टी आ जाएंगे, कॉन्स्टेंट एम, एम की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल एम ए, एल की जगह आएगा कैपिटल एल, क्योंकि एल लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर का डायमेंशन एल, बी थीटा, थीटा के क्या होंगे, ये मैं रफ साइड पे कर देता हूँ अलग से, थीटा के क्या होंगे, थीटा हमारे पास होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा यहाँ से किसके बराबर रहता है, एस ओवर आर, एस क्या होते हैं लेंथ, और नीचे रेडियस है, और रेडियस मीटर में होता है, तो इसके भी क्या आ जाएंगे लेंथ, तो क्या बनेगा, L इंटू एल माइनस वन, तो थीटा के क्या आ जाएंगे, L इंटू एल माइनस वन की पावर C, और G, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसके क्या होते हैं, एल टी माइनस टू इंटू पावर D, यही बनेगा।
अब हम जरा इनको कंबाइन कर लेते हैं। इधर टी वैसे का वैसे आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह लेट्स सपोज मैं इधर के लिख लेता हूँ, ठीक है, कांस्टेंट की जगह क्या लिख रहा हूँ, के, एम, एम एक है तो एम वैसे का वैसे आ जाएगा। लेंथ, लेंथ कितनी बार आ रहा है, लेंथ की पावर बी, लेंथ की पावर सी, लेंथ की पावर माइनस सी और लेंथ की पावर डी, तो क्या आ जाएगा, लेंथ की पावर बी, लेंथ की पावर सी, लेंथ की पावर माइनस सी और लेंथ की पावर डी। और टी, टी इधर है नहीं तो इधर क्या बचा, टी माइनस टू है लेकिन पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, माइनस टू डी, ठीक है जी। इसको ज़रा कंबाइन कर लेते हैं, एम वैसे का वैसे ए, लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, एल की, बी प्लस सी माइनस सी प्लस डी इंटू टी की पावर क्या आ जाएगी, माइनस टू डी। अब क्या करना है, अब इधर लिख देते हैं कंपेयरिंग, ठीक है, अब कंपेयर करना है लेफ्ट को राइट के बराबर। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि इस साइड पर तो एम है, इस साइड पर एम है, उसने कहा सर सिर्फ टी लिखा हुआ, एम नहीं है। मैंने कहा जो चीज़ नहीं होती वो कितनी होती है, उसने कहा जीरो। मैंने कहा जो चीज़ नहीं होती उसकी जगह यहाँ पर वन भी होता है, उसने कहा सर वो ज़रा समझाएं वो कैसे होता है वन। वो ऐसे होगा कि इधर अगर मैं इसको फुल फॉर्म में लिखूँ, इधर तीन लोग हैं एम एल टी, तो इधर मैं लिखूँगा एम, लेकिन मैं एम के साथ कितना लिखूँगा, जीरो, क्योंकि किसी चीज़ की पावर जीरो वो वन के बराबर हो जाएगी, तो वापस ये ख़त्म हो जाएगा और वन आ जाएगा। एल कितना, इधर एल है ही नहीं तो जो चीज़ है ही नहीं उसकी पावर कितनी है, जीरो। टी इधर है तो टी की पावर वन लिखी है, सच इधर क्या आ जाएगा, के एम एल और टी की आ जाएगी माइनस टू डी, ठीक है जी। तो ये इनकी आ जाएगी। अब हम कर लेते हैं कंपेयर, ठीक है। कंपेयर करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं जी एम को, तो इधर एम की पावर है जी जीरो और इधर एम की पावर है जी ए, तो इधर ए इज इक्वल टू क्या बना, जीरो, ठीक है जी। ए इज इक्वल टू क्या बन गया, जीरो। अब लेंथ को करते हैं, लेकिन लेंथ में बी और सी और डी है, तो सी तो कट जाएगा लेकिन डी बच जाएगा, तो इससे पहले मैं डी को सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि वो आसान लग रहा है। इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ इसे। अब देखें जी, हम देखते हैं जी टी, इधर टी है, टी की पावर कितनी है, वन, उधर कितनी है टी की पावर, टी की पावर है जी माइनस टू डी, तो इसे कंपेयर कर लें, इधर वन है इधर क्या आ जाएगा टू, क्योंकि बेसिस सेम है, तो यहाँ से डी किसके बराबर आ जाएगा, माइनस वन बाई टू, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लेंथ पे, इधर एल है लेकिन पावर कितनी है, जीरो, और इधर एल है पावर कितनी है, बी प्लस सी माइनस सी प्लस डी, ठीक है, ये इससे कट गया, तो इधर जीरो इज इक्वल टू क्या आ गया, बी प्लस डी, इम्प्लाइज डैट बी इज इक्वल टू माइनस डी, एंड डी की वैल्यू कितनी है, माइनस वन ओवर टू, तो इससे क्या पता लगा कि बी इज इक्वल टू क्या आ गया, वन बाई टू, डी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, बी इज इक्वल टू वन बाई टू, और सी रह गया। उसने कहा सर सी के आप लिख भी नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने कहा वो क्यों, उसने कहा सर ये एल इंटू एल पावर किसकी है, थीटा की, थीटा की पावर कितनी थी, सी, एल इंटू एल माइनस वन इंटू सी, एल एल से काट गया तो क्या बचा, एल की पावर जीरो इंटू सी, जीरो, किस चीज़ की पावर जीरो, वो किसके बराबर है, वन के, और वन की पावर आप जितना मर्जी ले लो किसके बराबर आ जाएगा, वन, तो इसका मतलब है थीटा सी किसके बराबर आ जाएगा, वन के। अब आप ज़रा पुट करें उसी फार्मूले के अंदर, तो टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब एम की जगह ए और ए की पावर जीरो, एल, एल की पावर क्या है, बी, और बी किसके बराबर आया यहाँ से, वन बाई टू थीटा, थीटा सी वैसे किसके बराबर आ गया जी, वन के, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी वहाँ पे भी, अच्छा। और उसके बाद जी, जी की पावर क्या है जी, माइनस वन बाई टू। अब ज़रा इसको देखें, एम की पावर जीरो वन, तो इधर सिर्फ क्या बचेगा, कॉन्स्टेंट, एल की पावर वन बाई टू और जी की पावर माइनस वन बाई टू, यही बचेगा। अच्छा अब इधर इसको हम किधर करें हल, चलो इधर लिख लेते हैं ऊपर, पावर से पता लग गई ना, इधर लिख देते हैं आगे न्यूमेरिक इसी को, तो यहाँ से t इज इक्वल टू क्या बनेगा, कॉन्स्टेंट इंटू एल की पावर है वन ओवर टू, तो एल की पावर वन ओवर टू और जी की पावर है माइनस वन ओवर टू, तो क्या नीचे आके वन ओवर टू प्लस हो जाएगा, क्या मैथ में इसको ऐसे लिखा जा सकता है, अंडर रूट एल और अंडर रूट जी,
क्या मैथ में इसको यूं भी लिखा जा सकता है अंडर रूट एल बाई जी? उसने कहा सर वो फार्मूला, मैंने कहा ये फार्मूला बन गया कॉन्स्टेंट इज इक्वल अंडर रूट एल ओवर जी। उसने कहा सर ये फार्मूला तो नहीं है। मैंने कहा वो क्यों? उसने कहा सर जो फार्मूला है टाइम पीरियड का वो तो था टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल ओवर जी, तो आपने निकाला कॉन्स्टेंट इंटू अंडर रूट एल ओवर जी। तो मैंने कहा यार जो जो टू पाई है तेरा ये कॉन्स्टेंट। उसने कहा कैसे? उसने कहा सर ये जो टू है ये इसमें पाई की वैल्यू 3.14, तो ये भी एक नंबर है और नंबर नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर अगेन नंबर, नंबर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट के कोई डिमेंशन नहीं होते। तो उसने कहा फिर सर ये फार्मूला तो बन गया तो ये कॉन्स्टेंट कैसे निकलेगा? मैंने कहा कॉन्स्टेंट हमेशा कैसे निकलता होता है? एक्सपेरिमेंट से। तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू कैसे मिलेगी? एक्सपेरिमेंट से। तो मेरा काम था फार्मूला बनाना, तो मैंने फार्मूला बना दिया टी इज इक्वल टू अंडर रूट एल ओवर जी। ये जो कॉन्स्टेंट है ये आप एक्सपेरिमेंट करेंगे वहां से मिलेगा, और फिर आप इधर पुट करेंगे तो आपका एक पॉसिबल फार्मूला बन गया। पॉसिबल फार्मूला यही है, कॉन्स्टेंट आप ड्राइव कर लेंगे तो आपका कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा। तो अब हमने किया क्या कि हमने डायमेंशन एनालिसिस को यूज करते हुए एक वेरिएबल का एक पॉसिबल क्या बना लिया है, एक फार्मूला। तो ये थे आपके डायमेंशन एनालिसिस। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछें। अगर न्यूमेरिकल में भी इससे रिलेटेड हम ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला के, तो न्यूमेरिकल है वो भी हल करेंगे, और इसमें अगर कुछ समझ नहीं आया तो वो कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।